हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। देखने में अच्छा लग रहा है ना, और बनाना भी बहुत आसान है बिना गैस जलाए। ले लेंगे खूब सारी आइस और उस पर रख देंगे एक बाउल और उसमें क्रीम। क्रीम को खूब फेंटना है जब तक कि आपके हाथों में खूब अच्छे से दर्द ना होने लगे। खूब फेंटेंगे, उसके बाद ऐसे बन जाएगा, मतलब थोड़ा सख्त सा। फिर इसको साइड पर रख देंगे। अब लेंगे एक आम, इसमें इसका सब गुद्दा जो है पल्प निकाल लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से चाकू से भी इसके गुठली से भी निकाल लेंगे और बहुत अच्छा बनेगा, एकदम बाज़ार वाली ही बनेगी। और फिर डालेंगे मिक्सर में और लेंगे एक बड़ा स्पून मिल्क पाउडर, एक बड़ा उसी स्पून से मलाई वाला दूध और मीठा अपने हिसाब से रखिए कम ज़्यादा। मैंने 3 छोटा चम्मच लिया है और फिर दूध कम लग रहा था तो फिर मैंने और डाल दिया। देखिए ऐसे लिक्विड जैसा दिख रहा है ना, एक थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा था क्योंकि अभी आम का उतना कलर आ नहीं रहा है, तो मैंने थोड़ा सा डाला था फूड कलर। ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब ये खूब अच्छे से पिस जाए मिक्सर में तो हम अपने फेटी हुई क्रीम में इसको मिक्स कर देंगे खूब अच्छे से। देखिए गैस बिल्कुल नहीं जलाए हम और बहुत अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको जमने के लिए रख देना है। देखिए कितना अच्छा स्मूथ दिख रहा है ना, तो हम लेंगे एक आइसक्रीम वाला डिब्बा और फिर इसमें हम अपना जो है आइसक्रीम डाल देंगे। इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज कर लेंगे। फिर इसको हम एक बार और इसको मतलब हमको मिक्स करना है। फिर 4 घंटे बाद देखिए ऐसे सख्त थोड़ा थोड़ा हुआ ना, अब इसको हम खूब अच्छे से चम्मच से ही अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इससे क्या है, जैसे स्मूथ बनेगा आइसक्रीम। और फिर थोड़ा सा कटे हुए आम इसमें हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और फिर इसको हम रख देंगे जमने के लिए, जब रात भर के लिए मतलब 12 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर देखिए कितना अच्छा आइसक्रीम जमा है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। बस लीजिए, मैंगो आइसक्रीम तैयार है, आप भी बनाइए और खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।